स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा इग्नू का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एग्जाम है अभी 1 सितंबर को, उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज मैं वो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें हम टॉपिक वाइज सीखेंगे, ठीक है, ना कि यूनिट वाइज। टॉपिक वाइज हमारा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या है? ग्राफ। तो ग्राफ हमारा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का आता है। कितने का? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पहले तो आपके ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है, ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से परूर आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है क्रोमेटिक्स नंबर। क्या है? क्रोमेटिक्स नंबर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्रोमेटिक नंबर और उसका ग्राफ, जो हमारा कोई भी ग्राफ दे देगा इस प्रकार से, ये हमारे नोड्स है। तो इसमें मिनिमम कितने कलर कर सकते हैं? तो सभी को कलरिंग करना आता है। मान लो हमने इसको रेड कलर कर दिया, इसको ग्रीन कर दिया, तो इसको रेड नहीं कर सकते, इसको हम दूसरा क्या करेंगे, फिर दोबारा से ग्रीन। एडजेसेंट साइड को अलग अलग कलर करते हैं, तो इस प्रकार से इसको रेड कर सकते हैं। तो मिनिमम कलर कितने यूज हुए? 2। तो इस प्रकार से आपको क्रोमेटिक नंबर निकाल लाना चाहिए और ग्राफ कलरिंग आनी चाहिए। आपका ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 से 4 मार्क्स में बार बार, ठीक है। 1 2 नंबर का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, क्योंकि ग्राफ आपका बहुत लंबा पोर्शन है। क्या है? बहुत लंबा पोर्शन है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है आपका, मैं पहले ही आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका उलेरियन सर्किट या उलेरियन पाथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसके बाद हिलमोंटेनियन पाथ और हिलमोंटेन सर्किट, उसके बाद फेलगोरी एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आइसोमोर्फिक ग्राफ। ये 5 तो आपको करना ही करना है 100%, ठीक है। इनमें से तो कोई ना कोई टॉपिक आएगा। बाकी ग्राफ का स्टूडेंट्स ऐसा है कि एग्जामिनर कोई भी ग्राफ उठा के दे सकता है। इसमें हम ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं और ना हम ये बता सकते हैं कि यही आएंगे, क्योंकि ये ग्राफ टॉपिक ही ऐसा है हमारा। बाकी टॉपिकों में बताऊंगा मैं, यही करना है, बाकी टॉपिकों में वही करना है, लेकिन ग्राफ आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा करके जाना। इजी है यार ग्राफ से, इजी हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बहुत इजी है ग्राफ हमारा, ठीक है। तो ये ग्राफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन क्या है देखो। शो दैट द फॉलोइंग ग्राफ उलेरियन वाई प्रोडक्ट ऑफ इलेरियन, हमें क्या बताना है? उलेरियन सर्किट क्या है इसमें। अगला हमें उलर थ्योरम, मतलब वही उलर के ऊपर आ ही रहा है कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद हिलमोंटेनियन साइकिल बताना है। उसके बाद देखो क्रोमेटिक नंबर निकालना है, इसमें इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर निकालना है। क्रोमेटिक नंबर निकालना, देखो 3 और 1 ही ले लिया मैंने, 3 बार आए हुए थे क्वेश्चन आपको बताने के लिए। उसमें देखो फिर अगले में फिर क्रोमेटिक नंबर बताना है एंड फाइंड कलर क्लासेज, कलर बताना है हमें। उसके बाद फिर क्रोमेटिक नंबर बताना है। क्रोमेटिक नंबर को हम XGB डिनोट करते हैं, ये बात आप याद रखना। मतलब क्या है? एक कप, ऐसे कापा टाइप का रहता है ऐसे जी, इसको भी हम क्रोमेटिक नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। फिर इस नंबर का क्रोमेटिक नंबर निकालना है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको, सब प्रैक्टिस करना आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या बताना है? आर ग्राफ आर आइसोमोरिक आइसोमोर्फिक, आइसोमोर्फिक है कि नहीं है? आप देखो फाइंड क्या है इसमें, देखो डेल जी है, कापा जी, ये तो मैंने अभी बताया क्रोमेटिक नंबर है, ठीक है। इसको ये तो क्रोमेटिक नंबर है मैंने जो अभी बताया आपको। अब ये जो रो जी है, ये क्या है? रो जी, ये क्या होता है? मिनिमम डिग्री, मिनिमम डिग्री, ठीक है, मिनिमम डिग्री ऑफ जो भी हमारा रहेगा एक्स, उसकी मिनिमम डिग्री बतानी है हमें, ठीक है। और ये डेल जी क्या होता है? हमारा मैक्सिमम डिग्री होता है, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद फेलगोरी एल्गोरिथम आएगा, आएगा, मैं पहले बताया फेलगोरी एल्गोरिथम आता जाता है हर बार। अब डिफाइन वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड कट वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ। अभी मैंने पूरा ग्राफ मैंने सारी चीज बताया है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होती है, कट वर्टेक्स क्या होता है, फाइंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड कट वर्टेक्स सेट, ये मैंने सारी चीजें आपको समझाई हुई है, ठीक है। देयर चेक वेदर और नोट कंप्लीट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ये कंप्लीट मैचिंग है किसी ग्राफ की, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लॉजिक है स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से इसको अच्छी तरह करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी इसमें क्या है देखो, ये ए ए से कनेक्ट हो गया, ए बी से कनेक्ट है, ए सी से कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी इसमें और क्या क्या कमी है वो बतानी है। तो बी बी से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ए ए से भी कनेक्ट है, तो बी बी से कनेक्ट होना चाहिए, सी सी से कनेक्ट होना चाहिए, फिर सी ए से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसी प्रकार हमें सारी गलतियाँ बतानी है कि इस ग्राफ में क्या क्या पॉसिबिलिटी और है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये सिंबल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है?
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे रखा है। उसके बाद देखो ये ग्राफ दे दिया, राउडन डिग्री सीक्वेंस, डिग्री का सीक्वेंस बताना है क्या है, राउडन एस जी एंड डेल जी, डेल जी बताना है एंड गामा जी एंड हिलमेंटेन साइकिल है कि नहीं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। और ये बताना है दो ग्राफ ये दोनों आपस में आइसोमोर्फिक है कि नहीं है, ठीक है, इसकी हमें एज ट्रेसेबल है कि नहीं है। एज ट्रेसेबल मतलब एक एज से दूसरी एज पे जाना मुमकिन है, एक जगह से स्टार्ट किया तो हर एज पे जा सकते हैं, ये बताना है। उसके बाद क्या है, बाइपार्टाइट ग्राफ पूछ लिया इसने, ठीक है, बाइपार्टाइट ग्राफ की कंप्लीट मैचिंग है, उसने ये पूछा है इसमें। तो बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है तभी वो पता होगा, तभी ये मैचिंग पूरी कर पाओगे। तो मैं ग्राफ में रिक्वेस्ट करूंगा पूरा ग्राफ पढ़ के जाओ भाई, ग्राफ जितना आसान है ना, मैं बोल रहा हूँ उससे आसान कुछ नहीं है। ग्राफ में तो आपका अप्रोक्सीमेट 12 नंबर का पूछा जाता है, तो 12 में से 10 मार्क्स सभी के आने चाहिए जो मैंने पढ़ाया, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ग्राफ में आपका, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अभी आ जाता है उसके बाद बुलियन एलजेब्रा, कौन सा जाता है, बुलियन एलजेब्रा। स्टूडेंट्स बुलियन एलजेब्रा भी एक अच्छा टॉपिक है, और उसमें मैं दो टॉपिक ले रहा हूँ, एक तो बुलियन एलजेब्रा है, एक प्रोपोर्शनल कैलकुलस है, ठीक है। तो बुलियन एलजेब्रा में आपको कुछ नहीं, डीएनएफ सीखना है, सीएनएफ सीखना है, ये निकालना आएगा। ट्रू टेबल कैसे निकालते हैं, लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट, ये तो आपने 12th में पढ़ा था, ठीक है, ये नए टॉपिक आए हैं, न्यू आए हैं, तो ये आपको निकालना सीखना है। अब प्रोपोर्शनल कैलकुलस में क्या है कि टूटोलॉजी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, कॉन्टीजेंसी क्या है, और आर्ग्यूमेंट एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है। इधर से 100% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इधर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों से कितना आएगा, 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा यहां से आपका, ठीक है। दिखा देता हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो फाइंड कॉन्जेगेटिव नॉर्मल फॉर्म, मतलब सी एन एफ निकालना है आपको, ठीक है, ऑफ द बुलियन एलजेब्रा। मैं ये इस पे लेक्चर अपलोड कर दूंगा आज और कल, अभी 3 दिन है, आपको समझ में आ जाएगा, तीनों दिन एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, एक दिन सीएनएफ पे, एक दिन डीएनएफ पे। तो ये सारे सीएनएफ के क्वेश्चन है हमारे, अब इस साइड ये सारे डीएनएफ के क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा डिस्प्ले पे सो रहा है, ये डीएनएफ के क्वेश्चन है हमारे। तो ये इस पर का सीएनएफ निकालना है, ये डीएनएफ निकालना है, इन ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन देख लेना आप लोग। अब ये ट्रूथ टेबल भाई, अब ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ करनी आएगी। अब ट्रूथ टेबल भी यहां कई तरीकों से पूछी गई है, क्या है कि ये सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन का, ये नेगेशन का, ये साइंस है ना, ये साइंस में सारे पढ़ाऊंगा। एक लेक्चर में आपको डीएनएफ पढ़ाऊंगा, एक में सीएनएफ पढ़ाऊंगा, और एक ये सभी आ जाएंगे, डीएनएफ सीएनएफ ये ट्रूथ टेबल एंड ये जो जितना भी आपका प्रीपोजिशनल ये है ना कैलकुलस, ये सिंबल्स के बारे में जितना भी है, ट्यूटोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें मैं 3 लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। एक लेक्चर आज, एक कल, एक परसों, ये मेरे ऊपर छोड़ दिए पूरा सेक्शंस, ये मैं आपको 100% मिस नहीं होने दूंगा यहाँ से कुछ भी, ठीक है, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए पूरा। तो यहाँ से क्या ट्रूथ टेबल ड्रॉ करनी आएगी इन सिंबल्स की हेल्प से, फिर हम किसी भी कर सकते हैं ट्रूथ टेबल, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, ये भी हम ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं। अभी ये बताना कि ट्यूटोलॉजी है कि नहीं है, देखो ये है सब उसका क्वेश्चन था, ये जो हमारा प्रोपोजिशनल का है, ट्यूटोलॉजी है, ये भी हमारा प्रोपोजिशनल कैलकुलस का है। ट्यूटोलॉजी क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए, ये मैं सब बताऊंगा आपको। ये ट्रूथ टेबल, इसके हमें ड्रॉ करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है इसका, फिर हमें बताना है ड्रॉ लॉजिक सर्किट, इसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है। देखो आया ना, लॉजिक सर्किट से भी क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था लॉजिक सर्किट इसका ड्रॉ करना है, इसका इनका सबसे पहले आपको यूज पता होना चाहिए, क्या इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, ये डैश का मतलब क्या है, ये चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफाई बुलियन एलजेब्रा, इसको हमें सोल्व करना है, ड्रॉ सर्किट, उसका सर्किट ड्रॉ करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अब आ जाता है वैलिड आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट्स आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है बार बार यहाँ से, कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं है। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में आते, या तो कोई स्टेटमेंट दे दे उससे पूछ ले, या फिर हमें नोटेशंस दे देते उससे पूछ ले। उसके बाद ये वैलिड आर्ग्यूमेंट ये इस प्रकार से 3, ये देखो एक फर्स्ट टाइप का ये पूछा, सेकेंड टाइप में ये पूछा, और थर्ड टाइप में आपका ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेटमेंट होती है हमारी, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होती है, नेगेशन स्टेटमेंट क्या होती है, और एक काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है। स्टूडेंट्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में 100%। तो ये आपको मैं ये बता दूंगा क्या होता है, ये 2 मिनट का वीडियो मैं लिख के लेके आऊंगा और ये समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये सेक्शन मैं पूरा कराऊंगा 3 दिन में। उसके बाद रेकरेंस लेसन्स मैंने पूरा करा रखा है ऑलरेडी, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वो समझना पहले आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आप में क्या है, ऑर्डर और डिग्री निकालना आना चाहिए किसी रेकरेंस रिलेशन का, उसको आपको और पता होना चाहिए कि लीनियर और एक नॉन लीनियर रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस
रेकरेंस रिलेशन क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी रेकरेंस रिलेशन का जनरेटिंग फंक्शन निकालना आना चाहिए, ना कि उसका मैं पूरा जनरेटिंग मेथड बोल रहा हूँ, ओनली जनरेटिंग फंक्शन निकालना चाहिए। ये चार चीजें सीखना है और 2 मार्क्स पक्के। यहां से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये चार ऐसी चीजें हैं जो आप 5 मिनट में सीख सकते हो, और मैंने मेरी वीडियो में चारों चीजें समझाई हुई है बेसिक लेक्चर में, ठीक है। तो वहां से सीखना है इसको। उसके बाद है वेरियस मेथड टू सॉल्व लीनियर रेकरेंस रिलेशन इक्वेशन। यहां से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन 3+4 7 मार्क्स का क्वेश्चन कोई आने वाला। ये हमारा रेकरेंस रिलेशन 12 नंबर का रहता है, 10 से 12 नंबर का। तो या तो 1 6 नंबर का आएगा, 1 4 नंबर का आएगा, या दोनों 2 4 4 नंबर के आएंगे, बट अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का तक यहाँ जाता है। एक 2 मार्क्स का फिक्स है, 2 मार्क्स का फिक्स है, ये आएगा, ये अलग है, ठीक है। इनसे क्या है, इन तीनों जो मेथड है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, जब तक आपको ये ना बोले सोल्व रेकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, जब तक नहीं बोले, जब बोले तो आपको ये मेथड यूज करना है, वरना इसको टच मत करना, इसको टच मत करना। बोले कि भाई रेकरेंस रिलेशन को जनरेटिंग फंक्शन से ही करना है तो ही करना, जब तक नहीं बोले तो इससे आप होमोजेनियस सॉल्यूशन निकालिए, इससे आप पार्टिकल सॉल्यूशन निकालिए और दोनों को सम कर दीजिए, इट इज कॉल्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। वो हमें क्या दे देगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दे देगा। ये हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन देगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा, और दोनों को सम करेंगे तो क्या देगा, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। अगर पूछे आपसे कि नहीं जनरेटिंग फंक्शन से, ये जनरेटिंग फंक्शन हमें ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, ये हमें पीएस देता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता है, ये होमोजेनियस सॉल्यूशन देता है, और ये हमें कंबाइंड सॉल्यूशन देता है, एक बार में कंप्लीट सॉल्यूशन देता है, ये इन दोनों को सम करने पे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। तो बोले तो यूज करना, नहीं बोले तो मत करना, क्योंकि ये मेथड थोड़ा टफ है, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जनरेटिंग फंक्शन को जब तक टच मत करना जब तक अगला बोले नहीं। अब देखो क्वेश्चन आपके, अब आया हुआ है द ऑर्डर ऑफ नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन क्या होती है, मैं पहले ही बताया। इस ऑर्डर 2 की पावर 2, ऑर्डर कितना है इसका, ये ट्रू और फॉल्स आए थे आपके, ठीक है। ये सारे ट्रू और फॉल्स है, ये जितने भी हैं सारे ट्रू और फॉल्स 2 मार्क्स में पूछे हुए, ठीक है। तो ऑर्डर डिग्री कैसी है ये सबसे पहले पता होना चाहिए, और किसी का भी जनरेटिंग फंक्शन निकालना आना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, और ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं है, देखो ट्रू और फॉल्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% 2 मार्क्स के पूछे जाने की संभावना है, और हर बार पूछा हुआ भी है। अब सोल्व फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशंस यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। देखो इसने दे दिया जनरेटिंग फंक्शन से ही सोल्व करना है, तो फिर वो बकवास मत करना आप, वो 2 ऊपर वाले मेथड मत लगाना, जो हमारा ये मेथड है कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड और कोफिशियंट अनडिटरमिनेंट कोफिशियंट, वो मेथड लगाना मत करना, फिर वो गलत मारेगा, तो वो भी गलत है। उसके बाद अगले में भी दिया है कि जनरेटिंग फंक्शन से ही सोल्व करो, तो जनरेटिंग फंक्शन से ही करना। इसमें नहीं दिया, देखो इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो इसको हम किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। अगले बारे में फिर दे दिया इसने जनरेटिंग फंक्शन से, तो उसमें करना है। अगले में रेकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन, तो इसने जिसमें भी दिया है, जिसमें देगा तो जनरेटिंग फंक्शन लगाना, नहीं देगा नहीं लगाना। इसमें नहीं दिया इसको सिंपल करो, इसमें नहीं दिया सिंपल करो, इसमें सिंपल 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 सिंपल, इसमें ओनली पार्टिकल सॉल्यूशन लगाना है, पूछा है। तो पार्टिकल सॉल्यूशन के लिए हमारा सेकंड मेथड था, मैंने बताया आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मिस नहीं करना है, रेकरेंस रिलेशन अच्छा है। अब उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन पूछेगा जो क्लास 11th के चैप्टर में है, बिल्कुल बेसिक। तो क्या पूछेगा, दोनों साइड दे देगा, LHS भी आपको दे देगा और RHS भी आपको दे देगा, ठीक है। और इनको इक्वल प्रूव करना, जो कि मैंने कराया हुआ है। थोड़ा सा टफ देगा तो इस प्रकार का लेवल दे देगा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दे देगा, थोड़ा बड़ा पूछेगा तो। सिंपल पूछेगा तो दोनों साइड इक्वल देगा, नहीं तो ग्रेटर लेस का साइन देके पूछ लेगा। फिर तीसरा एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप लेस और ग्रेटर वाला हो गया। तीसरा टाइप क्या पूछ सकता है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है किसी चीज से। देखो ऊपर वाले में दिया प्रूव द 25 द फैक्टर ऑफ इसका, तो ये एक डिवाइड और मल्टी डिवाइड है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है यहाँ से, ठीक है, PMI से ध्यान रखना। उसके बाद आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल एंड स्टिक है, मैं वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है मेरे जो कौन सा चैनल है, फ्यूचर स्टेप पे,
फ्यूचर स्टेप पे मैंने इसका वीडियो कंपटीशन चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हो, वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बारिश में कुछ नहीं आएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। मोस्ट प्रोबली क्या है कि कोई भी हमें लेटर दे देगा ऐसे, उसमें पूछेगा किसके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, वो वाली स्थान पर रहेगा, वो वाला उस स्थान पर रहेगा, इनसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या क्या लिया है, मैंने बाइनोमियल के क्वेश्चन लिए हैं, पार्शियंस के लिए हैं, और हमारा प्रोबेबिलिटी के लिए है, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रिंग नंबर के लिए जो आपके एक्स्ट्रा बच गए बाकी यूनिट्स में। सबसे पहले कोई भी हमें क्या दे देगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा। प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 क्वेश्चन लिए, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी के, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। उसके बाद फाइंड कोफिशियंट, भाई ये कोफिशियंट वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में हर बार आ रहा है, अच्छी तरह करके जाना, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट एक्सटेड इन 2000 डिविजन, भाई ये 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, सारे आपके सिलेबस में है ये। उसके बाद ये स्ट्रिंग नंबर के क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स में पूछे हुए क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे आपने, चारों के चारों 20 बार रिपीट हो गए पिछले 10 सालों में, 2010 से लेके और 2021 तक एनालाइज किया है मैंने, इनमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही रहा है। जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, इनमें से आपका अप्रोक्सीमेट 1 से 10 मार्क्स आ रहा है सेक्शन मेरा हिसाब से, तो 10 मार्क्स का यहाँ से आ रहा है मेरे हिसाब से, 2 मार्क्स का इधर से आ रहा है, 12, 15 और हमारा अप्रोक्सीमेट 12 नंबर का यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो 27 मार्क्स का सिंपल सा हो गया यहाँ से हमारा। अब यहाँ से बहुत मोटा टॉपिक आ रहा है 10 मार्क्स का, अप्रोक्सीमेट इधर से हमारा 10 मार्क्स का आ रहा है दोनों से, क्योंकि एक 6 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो 10 मार्क्स का ये आएगा, 37 हो गया, और ग्राफ हमारा बच गया, तो ग्राफ हमारा मैंने पहले ही बताया था 8 से 12 मार्क्स का आ रहा है, तो हमारा टोटल आएगा 50 मार्क्स का। इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ नहीं आएगा, DNF, CNF, ट्यूटोलॉजी, फिजियोलॉजी सारी मैं कराऊंगा 3 दिन के अंदर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सभी बच्चों का, अच्छा होना चाहिए ग्राफ में, पूरे सारे ग्राफ करने आपको। थैंक यू, वीडियो को पूरा देखना, रिमूव मत करना, सारे ग्राफ को प्रैक्टिस करना, आपकी बुक में सब सॉल्यूशंस है। कुछ हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, वहाँ पे मेरे को बताना, मैं हेल्प करूँगा।